सिंहवाड़ा प्रखंड प्रमुख पुष्पा झा ने आरोप प्रत्यारोप के बीच उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर बबलू पर पंचायत समिति सदस्य को गुमराह कर राजनीतिक लाभ का आरोप लगाया। गुरुवार को जनप्रतिनिधि भवन में प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रमुख ने उप प्रमुख के वर्तमान व पूर्व के कार्यकाल की जानकारी दी। निवर्तमान वीडियो के साथ सरकारी योजनाओं में अनियमितता कर राशि का गबन करने की बात रखी। उप प्रमुख के आरोप का खंडन कर प्रमुख पुष्पा झा ने कहा, पंचायत समिति सदस्य का फर्जी हस्ताक्षर कर डीएम व डीडीसी को आवेदन सौंपा गया है। कहा, आधे से अधिक समिति सदस्य प्रमुख के समर्थन में नारेबाजी की, कार्यों की सराहना कर उप प्रमुख के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। प्रमुख ने उप प्रमुख के पिछले कार्यकाल में संचालित योजनाओं में गड़बड़ी की जाँच की मांग रखी। कहा, वर्तमान में 5% कमीशन व 1,00,000 नकद मांगने का आरोप लगा रही थी। प्रमुख ने उप प्रमुख पर लगे आपराधिक मामला की चर्चा कर कहा कि दबन व भू माफिया होने के साथ बंगाल व सिंहवाड़ा थाना में कई मुकदमा दर्ज है। महिला प्रमुख समझकर उप प्रमुख हमारे सदन के कार्य में मनमानी कर गलत हस्तक्षेप करते हैं। जब मैं विरोध करती हूं तो उप प्रमुख मेरे पति व समर्थक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। प्रमुख ने साक्ष्य प्रस्तुत कर कहा, पूर्व के कार्यकाल में वर्तमान उप प्रमुख ने अपने पंचायत ककिया में नाले का गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं किया और भुगतान के लिए हम पर दबाव बना रहे हैं। प्रमुख ने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के नकली हस्ताक्षर से वरीय अधिकारी को आवेदन सौंप कर स्थानीय पंचायती राज के अधिकारी पर योजना से संबंधित दबाव बना रहे हैं। समर्थक समिति सदस्य के हस्ताक्षर युक्त आवेदन डीएम को सौंप कर उप प्रमुख की कार्यशैली से अवगत कराना है। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य तमन्ना अंसारी, विद्यापति झा, मो अर्शद, उषा देवी, राजा पासवान, रीता चौबे, ललिता देवी, कन्हैया मिश्र, गुड्डू यादव, रमेश साह, इम्तियाज अहमद, शंकर पासवान सहित कई समिति सदस्य ने कहा, प्रमुख के नेतृत्व में सभी पंचायत में विकास योजना का कार्य प्रगति पर चल रहा है। सदस्यों को सम्मान देकर पंचायती राज अधिनियम का पालन कर प्रमुख अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। मौके पर सरपंच संघ के अध्यक्ष रमेश सहनी, अनिल मिश्र, सुनील मिश्र, फहद अंसारी, सुनील राम, मणिकांत झा, गणेश चौबे, लाल बाबू पासवान मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में मैं उप प्रमुख सिंहवाड़ा साजिद मुजफ्फर उर्फ बबलू जी के संवैधानिक रूप से मेरे कार्य के क्षेत्र में दबंगता पूर्वक हस्तक्षेप का मामला है, जिसे मैं पुरजोर तरीके से उनका विरोध करती हूँ। मेरे कार्य क्षेत्र में दबंगता पूर्वक हस्तक्षेप का मामला है, जिसे मैं पुरजोर तरीके से विरोध करती हूँ। चूँकि मैं महिला जनप्रतिनिधि हूँ, इसीलिए उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर मुझे गलत तरीके से दबाव में लेकर अपनी मनमानी करना चाहते हैं, जिसका मैं विरोध करती हूँ और उनका प्रतिकार भी करती हूँ। जब वो उप प्रमुख के मनमानी क्रियावन नहीं हो पाया तो उनके द्वारा मेरे एवं मेरे पति के विरुद्ध उन्होंने निराधार आरोप लगाकर उप प्रमुख विकास आयुक्त दरभंगा, जिलाधिकारी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को भ्रमित करने की कोशिश की, जिसका मैं पंचायत समिति सदस्यों के साथ पुरजोर तरीके से खंडन करती हूँ। साथ ही निम्नलिखित बिंदुओं एवं संदर्भों द्वारा उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करती हूँ। पिछले कार्यकाल 2018-21 में साजिद मुजफ्फर सिंहवाड़ा प्रखंड के उप प्रमुख पद पर निर्वाचित होकर अपना 5 वर्ष कार्यकाल पूरा किया। तत्कालीन प्रमुख श्रीमती आरती देवी को दरकिनार कर उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर एवं तत्कालीन विकास पदाधिकारी पर दबाव बनाकर बिना प्रमुख के सहमति के लगभग 1 करोड़ योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृत करा लिया, जिसका भुगतान अभी तक किया जा रहा है, जिसके द्वारा कारण वर्तमान पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अनुवंशित योजनाओं प्रभावित हो रही है। इसी प्रकार वर्तमान में भी उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर योजनाओं का बंदरबाट करना चाहते हैं, जिसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करती हूं और उनकी मनमानी नहीं चलने देती हूं। इसीलिए उन्होंने मेरे एवं मेरे पति पर गलत आरोप लगाया है। पूर्व में के कार्यकाल में उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर जी तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर दबाव बनाकर सिर्फ 5 पंचायत में 21 योजनाओं का प्राथमिक स्वीकृत करवाए। मेरे द्वारा 18 पंचायत में मेरे द्वारा योजनाओं की स्वीकृति की गई, उनकी मनमानी नहीं चलने पर उन्होंने मेरे और मेरे पति के विरुद्ध गलत अनाप शनाप आरोप लगाए हुए उन्होंने समिति को एवं मेरे
पंचायत को भ्रमित किया है।